हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे सामने एक मॉस्किटो किलर की एक बैट है जो मॉस्किटोज़ मारने के लिए काम में आती है। तो मेरे पास ये जो बैट आई है ये वर्क नहीं कर रही। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो बटन है वो प्रेस करने के बाद भी इसका जो लैम्प जो लाइट दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पार्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया है। तो चलिए आइए इसको अभी ओपन करते हैं। ये जो बैट जिसकी है उसने मेरे पास ये लाई है और उसने एक बार रिपेयर करने की कोशिश की है इसके घर पे। इसको इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि बैटरी ही इसके अंदर ख़राब हो जाती है। तो बैटरी अगर आप चेंज कर देते हो तो वो फिर से एक बार जैसे पहले वर्क करती वैसे करती। तो इसके अंदर मेरे सामने वाले जो दोस्त है उसने ये इसकी बैटरी चेंज तो की है, तो लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रही। तो आप देख सकते हो कि ये बैटरी है और ये चेंज की है। और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि इसने ये जो बैटरी चेंज की है, इस बैटरी के कनेक्शंस कुछ प्रॉपर नहीं किए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने चिकट टेप लगा रखे, ठीक है। तो ये चिकट टेप अभी हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसने जो बैटरी कनेक्ट की है उसके प्रॉपर कनेक्शंस नहीं किए हैं, जो कि हमें सोल्डरिंग गन से करना होता है। चिकट टेप से क्या होता है कि ये प्रॉपरली अपने जगह पर फिक्स नहीं होते, टर्मिनल्स के साथ ये बिल्कुल भी जॉइंट्स प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं। तो हम इसको अभी क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, जैसे मैंने चिकट टेप इसके निकाल दिए है तो इसके दोनों भी टर्मिनल्स बिल्कुल ओपन दिखे हैं। और यहाँ पर जो इसके वायर्स है, वायर्स को उन्होंने क्या किया है, सर्कल किया है छोटा सा और इसको अटकाने की कोशिश की है और उसके ऊपर से चिकट टेप लगा दी है, लेकिन ऐसा कनेक्शन तो ये बिल्कुल नहीं होता है। अभी बैटरी की कंडीशन देखते हैं, बैटरी ऑन है या ऑफ है। तो वो चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिप है, लाइट का स्ट्रिप है, जिसके ये दो टर्मिनल्स है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर मेंशन किया होता है ये इधर प्लस है और इधर ये माइनस है। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि प्लस मतलब रेड और माइनस मतलब ब्लैक। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, रेड को रेड लगाएंगे, मतलब प्लस को रेड लगाएंगे और यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे। आप देख सकते हो ये बैटरी बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बिल्कुल ऑन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली सोल्डरिंग गन के मदद से इसको ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर न्यू बैटरी अगर आप लेते हो तो न्यू बैटरी का कनेक्शंस करने के लिए आपको सबसे पहले इसके जो टर्मिनल्स है इसके ऊपर आपको कथील चढ़ाना पड़ता है। तो वो आपको सोल्डरिंग गन के मदद से चढ़ाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं कथील चढ़ाने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी इसको प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर टच मतलब इसको इसके साथ चिपक नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये इसको चिपकने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होना ज़रूरी है। तो वो फाइल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पर फाइल है। तो ये फाइल के जो टर्मिनल्स, अभी ये टर्मिनल्स इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे। टर्मिनल रफ करने से उसके ऊपर जो कार्बन चढ़ा होता है या फिर जो भी लिक्विड होता है जो कंपनी से पैक होकर आता है, तो उस टाइम पे ये लिक्विड इसके यहाँ से हट जाता है और इसके टर्मिनल्स जो है तो प्रॉपरली ओपन होते हैं। अभी देखिए, अभी इसका टर्मिनल्स हमने बिल्कुल प्रॉपरली ओपन कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो नज़दीक से, और इसके नीचे आपको ये लेयर्स भी दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्बन वाला लेयर है, कुछ तो लिक्विड है यहाँ पर, तो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। और जो हमने रफ किया है अभी ये बिल्कुल भी शाइनिंग कर रहा है। तो उसको अगर हम कथिल से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये तुरंत से पकड़ लेता है। ये देखिए, इसने तुरंत कैच कर लिया अभी। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको अभी कथिल हमने पेस्ट कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से इसने अभी पकड़ लिया इसे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो वायर दिख रही है आपको, इस वायर के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे कि इसको अभी कथिल पेस्ट करना है इसके साथ।
हमने अभी दोनों भी वायर्स के साथ इसके कनेक्शन कर दिया है। तो अभी हम लोग प्लस कौन सा माइनस कौन सा ये चेक करने के लिए आपको ये जो बैटरी दिख रही है इसके ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्लस साइन है ये वाला, तो इसके आगे वाला ये जो प्लस रहता है, और इधर जो माइनस साइन दिख रहा है आपको इसके आगे वाला ये माइनस साइन है, ठीक है। तो अभी ये वायर तो दोनों भी ब्लू कलर के हैं, तो इसमें से कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो उसके लिए भी आपके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है आपको, ये मदरबोर्ड के ऊपर जहाँ पर ये वायर्स कनेक्टेड है ना, वहाँ पर भी आपको दिख सकता है कि इसका प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको हटा के बता देता हूँ प्रॉपरली। ये देखिए, ये जो पीला नीला वायर दिख रहा है यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो प्लस है ये प्लस वाला वायर है, और यहाँ पर जो माइनस है इसके साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मदरबोर्ड पे माइनस का साइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बस एकदम ईजी है अभी। तो ये माइनस वाले वायर को माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे, और प्लस वाले को प्लस वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये किसने काम किया था पहले, तो वो बिल्कुल घर पे ही कोशिश की है इन्होंने बैटरी सेट करने का, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो की मदद से उन लोग को काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से अगर वो बैटरी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वो घर पे ही बड़े सक्सेसफुली तरीके से इस बैटरी को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वो चेक करने के लिए हम लोग पहले ये जो इसका बटन है प्रेस करने वाला, इसको दबाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्पार्क जो देखते हैं हम, स्पार्क चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 100% यहाँ पर अभी स्पार्क हो रहा है, मतलब ये बैटरी अभी जो मॉस्किटो रैकेट है बैट है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इसको हम लोग वापस से अपने अपने जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं, फिट कर देते हैं। दोस्तों याद रखना कि ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो मदरबोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है आपको ये दो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज तैयार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गलती से भी आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों को अगर शॉर्ट करते तो ये काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा झटका आ रहा है। तो आपने ये सर्किट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ज़्यादातर क्या होता है कि इसके अंदर हाई वोल्टेज रहने के कारण आपका जब ध्यान नहीं रहता है तो उस टाइम पे उसको हाथ लग जाता है, तो आपको काफ़ी हाई वोल्टेज फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो ये बैटरी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से तैयार। अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो अपन बटन प्रेस करते हैं तो इस टाइम पे लाइट ग्लो करता है कि यस, अभी ये रेड कलर का लाइट यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्लो कर रहा है, और ये ग्लो कर रहा है इसका मतलब अभी ये बैटरी बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है। तो देखिए फिर से एक बार हम टेस्ट करते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्पार्क देखने को मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर करना ताकि जो भी इस फील्ड में काम करना चाहता है बेसिकली उसके लिए ये वीडियो काम में आएगा। जय हिंद।